चलो 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 चलो, बहुत लिंपिंग है, आ जाओ। पैर फैला के चलना पड़ रहा है, बराबर से नहीं चल पा रहे हो। हाँ, एक बार और राउंड चलो। आ जाओ वापस। कहाँ पे दर्द हो रहा? अच्छा ठीक, पीछे साइड में। अच्छा, वो तो एक्सरसाइज कर रहे थे तब से कुछ कम हो गया होगा। थोड़ा आराम मिल गया एक्सरसाइज से। ठीक 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 है ठीक है, चलो अब तुम्हारा लास्ट में वीडियो बनाएंगे, है ना? चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लो। आ जाओ। ठीक है, अभी कोई दर्द? दर्द तो नहीं है सर। ठीक, चलने में कोई दर्द नहीं, चलने में कोई दर्द नहीं हो रहा, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। पहले से बेटर ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेदा, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास से इस समय काफ़ी सारे पेशेंट्स विदा हो रहे हैं अपने फर्स्ट सिटिंग करा करके। उसी सीरीज़ में हमारे पास एक पेशेंट है जो कि राजस्थान से आए थे, इनका नाम गोविंद जी है। गोविंद जी नमस्कार। सबसे पहले जानेंगे कि इनको एवियन कैसे हुआ और फिर इन्होंने क्या क्या किया और हमारे पास तक कैसे आए। तो गोविंद जी, कैसे हुआ था आपको? मेरा सबसे फर्स्ट में पेन हुआ, पेन धीरे धीरे बढ़ता गया। कितने समय पहले की बात है ये? सर अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में, हाँ ये, हाँ 2020 में। ठीक है, ये राइट पेन में फर्स्ट में हुआ था, फिर धीरे एक महीना निकल गया, फिर मेरा डॉक्टर को बताया ऐसे ही टेम्परेली में, फिर धीरे धीरे मेरा ठीक हुआ उसमें, आज पेन कम हुआ उसमें, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसा मतलब कुछ होगा ही, मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे समय बीतता गया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर मैंने MRI करवाई लॉकडाउन के बाद, फिर मेरे को पता लगा कि इसमें एवियन है मेरा, वो भी थर्ड ग्रेड से आगे जा चुका है। तो फिर डॉक्टर ने मना बोले इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब क्या करें, तो मेरे को एक डिप्रेशन में आ गया था मैं थर्ड ग्रेड का। फिर मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया था, यूट्यूब पर सर्च किया था, तब सर का मेरे को वीडियो मिला, तो मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया और मैं यहाँ पे आ गया। इसलिए मैं एवियन वालों को सभी को यही कहना चाहता हूँ, जो भी है एवियन वाला कोई ऑपरेशन न करवाए और सीधा आ जाए, सर से कॉन्टेक्ट कीजिए अपने कानपुर। ठीक ठीक। अच्छा, तो अभी आपको कितना रिलीफ लग रहा है? जैसे एक सेटिंग हो गई 60-70% रिलीफ है अभी। 60-70% मूवमेंट करते हो उसमें पेन है, बाकी कुछ पेन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी कोई पेन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत है। पहले से चलने में कैसा है? उससे तो बेटर है, पहले से चलने में सुधार है पहले से। ठीक है ठीक है। तो आपने देखा इनको कितना कॉन्फिडेंस है, पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं अपने आप को और चलने में भी इनके काफ़ी सुधार आया है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही मोटिवेशनल होगा। इनको जिस तरह से सुधार हुआ वैसे आपको भी सुधार होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन बाय बाय। अब चलो 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 चलो, बहुत लिंपिंग है, आ जाओ। पैर फैला के चलना पड़ रहा है, बराबर से नहीं चल पा रहे हो। हाँ, एक बार और राउंड चलो। आ जाओ वापस। कहाँ पे दर्द हो रहा? अच्छा ठीक, पीछे साइड में। अच्छा, वो तो एक्सरसाइज कर रहे थे तब से कुछ कम हो गया होगा। थोड़ा आराम मिल गया एक्सरसाइज से। ठीक 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 है ठीक है, चलो अब तुम्हारा लास्ट में वीडियो बनाएंगे, है ना? चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लो। आ जाओ। ठीक है, अभी कोई दर्द? दर्द तो नहीं है सर।
ठीक, चलने में कोई दर्द नहीं हो रहा, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।